अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर रहमान और आप देख रहे हैं इट्स सोलर। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हम आज VM3 इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग की वीडियो बना रहे हैं आप। जी, VM3 इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर। अच्छा, मैंने भी देखनी है फिर। तो ये वीडियो देखनी है? नहीं, ये वीडियो तो यूट्यूब के दोस्तों के लिए, वो भी देखते हैं, मैं भी देख लेता हूँ। तो चले, आज की जो ये वीडियो है ये आप लोग भी देखेंगे और हमारा जो दोस्त है वो भी आज की ये जो वीडियो देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो VM3 इन्वर्टर होता है ये स्पेशली मशहूर है कि ये इन्वर्टर जो है ये विदाउट बैटरी चलता है और ये हकीकत भी है। आप इसमें जस्ट सोलर पैनल कनेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ जो है आपने 220 वोल्ट सप्लाई यानी सिंगल फेज एसी या घर के बल्कि हालात आप इसमें चला सकते हैं। अब ये नहीं है कि इसमें बैटरी का ऑप्शन नहीं है, इसमें बैटरी का ऑप्शन भी मौजूद है। और इसके साथ साथ जो है आप जो है ब्लूटूथ कनेक्टेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। इसका जो डिस्प्ले है स्पेशली इसमें बहुत ज्यादा खुशियत ये भी है कि इसमें जो डिस्प्ले होता है इसको आप उतार के किसी भी जगह लगा सकते हैं, यानी एक USB डाटा केबल होती है, कम्युनिकेशन केबल होती है, उसके थ्रू आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे जनरेटर के साथ ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा ऐसी खसूसियत है कि ये 3.2 किलोवाट के इन्वर्टर पे यानी 3200 वाट पूरा लोड आप चला सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इस पे जो है पूरे 4000 वाट सोलर पैनल आप इस पे लगा सकते हैं। यानी अगर इसमें जो मैं वोल्टेज की बात करूं, सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करूं, तो जो चार्ज कंट्रोलर इसमें मौजूद है उस पे 4000 वाट सोलर हम लगा सकते हैं। उसमें हमारे पास जो वोल्टेज रेंज आती है वो 450 से 500 वोल्ट तक रेंज होती है। और इसके साथ साथ हम इसमें कोशिश करते हैं कि जब हम इसको विदाउट बैटरी चलाएं तो उसमें हम तमाम पैनल को जो है वो सीरीज में कनेक्शन करते हैं। इसमें आप इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, इस पे कितना लोड डाल सकते हैं, कौन सी फासी तदाबीर है और इसकी प्रोग्रामिंग, ये सब कुछ जो है हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि VM3 इन्वर्टर देखने में कैसा और इसके बॉक्स में से क्या क्या निकलता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, जब भी हम इसके बॉक्स को ओपन करते हैं तो इसमें एक वारंटी कार्ड मिलता है जो कि 1 साल की वारंटी होती है। 1 साल के अंदर कुछ भी हो तो ये इसका बोर्ड चेंज करते हैं, रिपेयर नहीं करते। उसके बाद एक इसमें DVD मिलती है जो कि प्रोग्रामिंग के लिए होती है, अगर आपने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करनी है। उसके बाद जो है अगर आपके पास एक तीसरे नंबर पर एक मैनुअल होता है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी किसी भी इन्वर्टर या किसी भी चीज को जिसके साथ आपको मैनुअल मिलता है आप उसके पहले मैनुअल को जरूर रीड कर लें, उसमें जो हिदायत दी गई है उसके मुताबिक आप उसको जरूर इंस्टॉल करें। बाकी अगर इसकी कीमत की बात करें तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि इसकी कीमत 54,500 रुपए है। और एक जिसको आप जो है स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप रब्ता करके व्हाट्सअप करके आप परचेज भी कर सकते हैं। एक चीज थोड़ी यहां पर आपको क्लियर करते जाए कि इनवरक्स के इन्वर्टर की जो कीमत है ये कोई भी कंपनी हो उसके जो कीमत होती है वो बेसिकली डॉलर की कीमत के साथ अप डाउन जो है वो होती रहती है। सो इसलिए आज अभी की मौजूदा जो मतलब कीमत है वो ये है। और एक और आपको स्पेशल आपके लिए खुशखबरी बताता जाऊं कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं अगर उनमें से कोई भी शख्स ये इन्वर्टर परचेज करना चाहता है तो वो हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकता है 0302-606-6002 पर, और वो हमें ये बता सकता है कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूं। और उसके लिए जो है एक स्पेशल डिस्काउंट हमने रखी हुई है, यानी उसको 54,500 रुपए का नहीं बल्कि इससे कुछ कम प्राइस में उसको मिलेगा। तो वो प्राइस कितनी होगी ये सरप्राइज है। और जब आपने परचेज करना हो तो फिर आप लोग जो है हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके मजीद आप इसके अगर कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन अगर आपको इसके बारे में पूछना हो, कोई भी हेल्प पूछनी हो, तो आप फिर भी हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मजीद अभी मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताता हूं कि इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं और उसमें सोलर की तारें कहां पे लगानी है और बैटरी की कहां पे लगानी है और उसकी सारी तरतीब क्या होनी चाहिए, यह सब चीजें भी मैं आपको अभी इस वीडियो में बता देता हूं। जी, तो अभी हम आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो ये इंटरनली आपको कुछ इस तरीके से बेसिकली सामने नज़र आता है, जो कि मैंने अभी इसके कुछ पेज वगैरह जो हैं वो खोल लिए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जो है वो सोलर के, बैटरी के और AC इनपुट के कनेक्शन बताता हूँ। सही कनेक्शन करने का तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने इसके साथ बैटरी कनेक्टेड करनी है तो पहले आप इसमें बैटरी के कनेक्शन कर देंगे जो कि आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बैटरी का पॉजिटिव आप बाएं साइड पे लगाएंगे और जो नेगेटिव है वो दाएं साइड पे लगाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है।
ठीक है, यानी अगर मैं इसको मजीद क्लोजअप करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ नजर आ जाता है कि बैटरी का पॉजिटिव आप कहाँ पे लगाएंगे और नेगेटिव कहाँ पे लगाएंगे। इसके साथ साथ फिर आपने जो है, मैं इसकी आ जाता हूँ एसी इनपुट और एसी आउटपुट पर, यानी इसका ये हिस्सा एसी इनपुट का है जो कि आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इसका ये हिस्सा जो है ये एसी आउटपुट का है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आपको टोटल 5 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और हमने ये देखना है कि ये सिंगल फेज है, हमने फेज न्यूट्रल इसको इनपुट वाली साइड पे देना है, फेज न्यूट्रल इसको आउटपुट वाली साइड पे देना है, तो ये तीसरा पॉइंट किस लिए है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा देखूंगा और फिर मैं इसे समझने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली ये है क्या। तो सबसे पहले इसने यहाँ पे ये अर्थिंग का पॉइंट बताया है कि जो सबसे बाएं हाथ पे है वो अर्थिंग है। अगर मैं इसको इधर अंदर देखता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ये ग्रीन और येलो तार है जो कि बिल्कुल ये वाज़े अलामत है कि ये अर्थिंग की वायर है, यानी अर्थिंग की केबल है। तो मैं यहाँ पे अगर मैंने अर्थिंग की हुई है अपने घर में तो फिर मैं यहाँ पे अर्थिंग की केबल लगाऊंगा, अगर मैंने नहीं की हुई तो फिर मैं इस पॉइंट को इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो हमारा पहला अर्थिंग का कम्प्लीट हो गया। सेकेंड नंबर पर हमारा आता है लाइन, एल से मुराद आता है लाइन यानी फेज, जो मेरा फेज है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा और जो मेरा न्यूट्रल है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इस पॉइंट पे। एक चीज़ के एहतियात आपने रखनी है कि आपने न्यूट्रल और फेज चेक करके लगाना है, पहले अर्थिंग की अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने यहाँ पे फेज लगा देना है, उसके बाद यहाँ पे आपने न्यूट्रल लगानी है। ये आपकी आ जाती है आउटपुट, एसी आउटपुट जो इसने पैदा करनी है, चाहे वो आप विदाउट बैटरी ले रहे हैं या आप बैटरी के साथ ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपने एसी का जो फेज़ है वो लगाना है और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपने एसी का जो है वो आउटपुट न्यूट्रल लगाना है। तो ये आपका हो जाता है तरीक़ेकार के आपने इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन कैसे करने हैं। उसके बाद अगर मैं इसके आता हूँ सोलर के पॉइंट पे यानी पीवी इनपुट पे, तो यहाँ पे आपको ये पीवी के इनपुट आपने इसमें इन करने होते हैं यानी केबल लगानी होती है, और यहाँ पे अंदर यानी आपने इसको खोल के जो है इसको अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ तो यहाँ पे आपने सोलर की पॉजिटिव लगानी है और इधर आपने नेगेटिव लगानी है। इस इन्वर्टर की खूबियों के साथ साथ अगर मैं आपको इसकी खामी बताता जाऊँ जो मुझे नज़र आई है वो ये है कि इसमें जो पीवी इनपुट के जो पॉइंट हैं ये बहुत ज़्यादा बारीक है। हम समझते हैं कि 4000 वाट इस पे सोलर पैनल लगता है जो कि यहाँ पे ये बहुत कम थिम्बल है, लेकिन ये इसलिए लगाया गया है, इसकी ये कोई इतनी बड़ी खामी नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम यहाँ पे पिन थिम्बल या आई थिम्बल जिसको हम कहते हैं उसका इस्तेमाल करके, यानी हम थिम्बल के थ्रू इसको लगाएं। उसकी वजह यह है कि पहले जितने भी हमारे पास इन्वर्टर हैं उनमें ज़्यादा बड़ी पोर्ट्स हैं, उसमें लोग क्या करते हैं थिम्बल के बजाय डायरेक्ट इंसुलेशन उतार के जो है वो उसमें लगा देते हैं। अब ये इन्होंने शर्त ही रख दी है कि थिम्बल के बगैर जो है वो कोई शख्स ना लगाए, ताकि सेफ्टी जो है वो उसको मद्देनजर रखा जा सके। तो इतनी बड़ी ये खामी नहीं है, यानी सोलर के पॉइंट, बैटरी के पॉइंट और आपके जो है आउटपुट और इनपुट के पॉइंट जो कि आपको मैंने यहाँ बता दिए हैं। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो काइंडली गुड वन के साथ कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। अगर कोई कमी वीडियो में रह गई हो या कोई ऐसा पॉइंट जो मैं ना बता सका हूं, या आप इसके बारे में मजीद कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में आप बता सकते हैं, आप हमसे सॉरी पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट्स कैसे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ, इसी तरह के नए नए टॉपिक्स के साथ। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।